जी हमने जो पूर्वोत्तक धन प्राप्त किया उसे देखकर वृक्षों ने हर्ष ध्वनि पूर्वक कहा कि हम कि इस इसको स्तुति योग्य श्रेष्ठ गोए एवं श्रेष्ठ अश्व प्राप्त हुए। श्रेष्ठ आगे क्या श्रेष्ठ के आगे अश्व प्राप्त हुए। आवाज आवाज कट रही है वर्मा जी, मजा नहीं आएगा ऐसे, आवाज कट रही है, मैं क्षमा चाहता हूँ, अच्छा अच्छा आवाज ठीक है, कट मैं रही है। बाद में आता चले हूँ। मैं आपके सवाल का, हाँ मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। बहुत शुक्रिया वर्मा जी, थैंक यू। आई एम रियली सॉरी वर्मा जी की दोस्तों, आवाज कट रही थी जिस वजह से शायद मजा नहीं आ रहा होगा। मैंने जो मंत्र रखा था ऋग्वेद का, उसमें लिखा था कि दरख्त बात करते हैं, तो चूंकि वर्मा जी ने कहा आपने बाइबल के रेफरेंसेस दिखाए तो ये वो चीजें दिखाई, तो मैंने वेद का दिखाया। मैंने सोचा इस पर भी इनकी कोई व्याख्या ले लूं, मगर मेरे ख्याल से उनका माइक ठीक नहीं था। उन्होंने एक बात रखी, उन्होंने कहा कि फिर लोग एक्स मुस्लिम क्यों हो रहे हैं, ये फलाना क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहे, क्या हो रहा है भाई। जैसे एक्स मुस्लिम वो हैं वैसे ही लोग वो हो रहे हैं, सिंपल। मुझे तो कोई एक अपनी लाइफ के अंदर एक्स मुस्लिम ऐसा नहीं अभी तक मिला। मैंने 10 पार्ट किए हैं कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम, आवाज़ ऑफिशियल पर पड़ी है प्लेलिस्ट, कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम, 10 एपिसोड्स हैं, देख ले जाके। मैंने कहा है जहां से दिल करता है, जोन सा दिल करता है, एतराज उठाना है, मुझे कन्विंस करना है कि मैं एक्स मुस्लिम हो जाऊं। एक बंदा, सारे नहीं, मैंने डेमो दिया है, और वो हमारे जितने मुस्लिम हैं, यूथ है हमारे मुसलमान जितने हैं, उनके देखने वाली वो सीरीज है 10 एपिसोड की, लाजमी देखें, कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम। ओपन लिंक होता था, मैं कहता था जो एतराज है बड़े से बड़ा आप लाएं चाहिए। अब जो हो रहे हैं उनसे हम पूछते हैं हमें ताऊज सुनाओ, तो अली भाई ने कल पूछा ना, कल हुई थी स्ट्रीम अली भाई, मेरा तो मुझे तो पता भी नहीं चलता है, परसों 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 असल में ना, मैं थोड़ा मेरा मसरूफियत इस तरह चल रही है, मेरे पूरे पूरे दिन स्किप हो रहे हैं मसरूफियत की वजह से ना, तो मुझे याद नहीं पड़ता कि अच्छा परसों हुई है, ठीक है। और कुछ ये टिकटॉक यूज करने की वजह से मैं चूंकि मल्टीपल टाइम्स सेशंस में बैठ रहा हूं, तो मुझे याद नहीं रहता कि ये किस वक्त बात हुई थी और कब हुई। ये इसीलिए मुझे लगता है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ में हदीस है ना किताबुल इल्म में, एक दिन खास किया था जिस वक्त वो बात करते थे, वो ज्यादा बेहतर है मसनून तरीका। मगर क्या करें, एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी, हमारे पास सोशल मीडिया के अलावा तो कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं है जहां पर अपनी बात रख सके। अच्छा मैं, अब अली भाई हमसे क्या गिला हो रहा था, आपकी स्ट्रीम पर एक बंदा आया था एक्स मुस्लिम नाम का, जिससे आपने क्या पूछा था, ताऊज सुनाओ। जी, ताऊज और तस्मिया वो नहीं हाँ सुना सर? हाँ ताऊज सुनाओ, ताऊज बिल्लाह मिन शैतान रजीम सुनाओ, क्या कहता है, मैंने नहीं सुनाना, ठीक है ना, मैं नहीं सुना ऐसे रहा। और क्या कहता था अली भाई, हमसे लोग नीचे भी गिला कर रहे थे। अब सुनना, मैं डेमो देने लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बयान करने लगा यहां पर, इसलिए गौर करें। ही। अभी ये भाई आए, आकर कहते हैं जी लोग एक्स मुस्लिम क्यों हो रहे हैं, अगर ये मामला है तो वो तो मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं, वो बंदा आया अली रजा खुर्रम भाई की स्ट्रीम पर और आकर कहता है आप अगर मेरे सवाल का जवाब दे दें तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। मुझे पता चल गया कि ये ड्रामेबाजी कर रहा है, टीटो पार्टी कर रहा है। अली भाई ने उसका टेस्ट लेना शुरू किया, तो कहता मैंने नहीं जवाब देना औज़ बिल्लाह का, और फिर पूरा अरे यहां पर इमोशनल उसने टीटो पार्टी की अली भाई के सामने इस्लामिक वेकनिंग पर, कि यार आप मेरा सवाल ले लो, मेरा सवाल ले लो, हो सकता है मैं इस्लाम कबूल कर दूं, मैं आपकी ऐसे इस्लाम कबूल कर दूं, मुझे बचा लो अली भाई, ऐसे ही अली भाई कर रहा था। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। लो फिर अब आपको मैं बताने लगा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल ने कहा था इत्तकू फरासतुल मोमिन, मोमिन की फरासत से डरो, और मैं तो बड़ा छोटा सा ईमान का अपने अंदर एक थोड़ा सा टुकड़ा रखने का फख्र महसूस करता हूं, मैं को मोमिन नहीं हूं पूरा, कोशिश ही करता हूं ना। तो ये जरा देखें उस बंदे को मैंने क्या कहा था कि तुम्हारे सामने दो चीजें हैं, क्या तुम सवाल ये इस्लाम कबूल करने के लिए पूछना चाहते हो या फड्डा करने के लिए ताकि फिर तुम्हारी ट्रीटमेंट वो वाली हो। उसने कहा मैं इस्लाम कबूल करने के लिए नेक नीति से, यही कहा उसने। बिल्कुल ऐसे ही था, तो 100%। हमने कहा हाँ थैंक यू, हमने कहा अली भाई को, अली भाई ईमेल है, इनका नंबर है, ये कर दें, ये हमने बोला था। अब सुनो जरा वो बंदा क्या कर रहा है, वो बंदा क्या निकला है,
ये जरा देखना है, ताकि हमारे मुसलमानों को भी पता चल जाए कि जो बेचारे नीचे इमोशनल होकर कहते हैं आमिर भाई बहुत सख्त है, ले लेना चाहिए था ना सवाल, आमिर भाई आप नीचे उतरे मैं आऊंगा, मैं आकर सारे सवालों का जवाब दूंगा, आमिर भाई आप पीछे हट जाए, आमिर भाई नीचे कमेंट के अंदर ना वो हमारे भाई हमारी ही टांगे खींच रहे होते हैं और कह रहे होते हैं आमिर साहब आपसे बात नहीं बन पा रही, खिचड़ी मैं बनाऊंगा, आमिर साहब चम्मच आप घुमाएं नमक मैं डालूंगा। ठीक है ना जी, ये हो गया। अब मैं आपको सुनाने लगा हूं वो बंदा जो यहां आया था वो बंदा क्या है, ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए। रुकना जरा, अली भाई आप अगर उतनी देर कुछ बोलना चाहें जरूर बोलें, क्योंकि मैं क्लिप शेयर करके उसकी ऑडियो सुनाऊंगा। जी जी बिल्कुल, आप क्लिप शेयर करें और हमारे मुसलमान भाइयों को, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि वो जानते हैं सारे प्रोपेगेंडे को, कि ये जिस अंदाज से आके कहते हैं कि एक्स मुस्लिम हो रहे हैं, और फिर जो जिनको लेके आते हैं ये कि भाई ये बड़े जबरदस्त तरीके से एक्स मुस्लिम हो चुका है, वो जब यहाँ पर हमारे चैनल्स पे आते हैं, हमान यूनियन के जितने भी चैनल्स हैं, तो आपने वहां पर उनकी हालत देखी होगी, तो उनका कभी दूर दूर से इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं था, और मोस्टली तो वो निकले जो सनातनी हुआ करते थे या सनातनी ही हैं, तो वो एक्स मुस्लिम बन के आते हैं कि हमने इस्लाम छोड़ दिया। अभी ये हमारे भाई पहले तशरीफ लाए, मैं बड़ा खुश हुआ आमिर भाई ने जिस तरह उसको टैकल किया है, वो पहले तो कह रहा था कि तमाम मजाहब भी फारिग हैं, आमिर भाई ने जैसे ही सनातन की बात की है तो वो सनातनी निकला। तो ये धोखेबाजी से धर्म की स्थापना करना चाहते हैं हमारे सनातनी भाई, और ये खबरें इसी तरह की ये फैलाते हैं, और ये सारा प्रोपेगेंडा आपके सामने है। मेरा नहीं ख्याल कि इन चीजों के अंदर कोई सच्चाई मौजूद है, और वो आप सब जानते हैं। तो हकीकत तो ये है कि अगर ये इतने ही चैंपियन हैं तो ये झूठ क्यों बोलते हैं? इस्लाम के अंदर अगर कोई गलत चीज थी तो फिर वो रखते हैं जबकि न्यूज चैनल्स पे जाके कि भाई ये देखें ये इस्लाम के अंदर ये चीज को आने पाक की फला पारा के अंदर फला चैप्टर के अंदर फला आयत के अंदर मौजूद है, तो निकलती क्यों नहीं वहां से, और इतना बड़ा ये झूठ बोलते क्यों है? तो सनातनी हमारे भाई जो है, मैं ये समझता हूँ कि इनकी मजबूरी तो ये है कि अरसा दराज से इन्होंने देखा कि जब इस्लाम यहां पर आया तो लोगों ने जौक दर जौक इस्लाम कबूल किया, और क्यों ना करते, वो जिन औरतों की जिन नारियों की छातियों के ऊपर टैक्स लगाए हुए थे कि पैसे दोगी तो ढांप सकोगी, जिनको नंगा रखा जाता था, और जो यहाँ पर शूद्रों के हालात थे, जो सती प्रथा थी, जो गंध का गंध था। जी जी शुक्रिया मेरे भाई, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर आप बात मुकम्मल कर लें, मैंने वो क्लिप मिल गया मुझे ना। जी मैं वो रीजन बता रहा हूँ कि ये वो रीजन है कि जब ऐसे लोगों को पता चला कि ये भी इंसान है और इस्लाम की नजर में ये सब बराबर है, कैसी आइडियोलॉजी मौजूद है जो उनको इंसान समझती है, और ये समझती है कि वो एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, बैठ के गुफ्तगू कर सकते हैं, और धर्म की एक किताब है जो पढ़ सकते हैं वो, तो जब उन लोगों ने ये देखा और सुना जो नस्ल दर नस्ल जिनके साथ ये ज्यादती की जा रही थी, तो उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं करना था और क्या करना था। जी यही नतीजा है मेरा। तो अब ये दूसरा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं वो नेक्स्ट नुक्ता फिर रखता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त, लो जी वो लोग गौर से सुन लें जो हम जब ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं कुछ लोगों की अपने एक्सपीरियंस और कुछ चीजों को फोर्सी करके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो नीचे जज्बाती होकर कहते हैं नहीं 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 आमिर भाई को इतराज ले लेना चाहिए था, बात तो सुननी चाहिए थी ना, क्यों आमिर भाई ऐसे करते हैं, आमिर भाई जो है ना वो छक्का चौका नहीं सही मार रहे, जी मैं आऊंगा, वो जो चल रहा होता है ना उनके माइंड में। जरा सुन लो, ये बंदा जो आया था ना कि जी मैं सीखने के लिए आया था, ये देखो ये किसके पास जाके बैठा हुआ है और क्या बोल रहा है, सुनना जरा। बोला कि अभी इसके बाद जो है मैं इमाद साहब को मौका दूंगा और केडी से बात। जी भाई शुक्रिया, मैं कल वो अमीर हक के चैनल पे गया था। हाँ। तो मैंने कहा उनसे कि मेरा लेबल लिख के बोला आप एक मुस्लिम है, मैंने कहा हाँ, बोले मेरे को तो आप लगते नहीं कि आप एक मुस्लिम है। हाँ। तो बोले मैं तो बोले अभी तक मैंने एक मुस्लिम का कोई टेस्ट नहीं लिया, मैं आपका टेस्ट लूंगा कि आप मुसलमान थे कि नहीं थे। हाँ। तो मैंने बोला कि मैं टेस्ट तो नहीं दूंगा आपको, मैंने मेरा क्वेश्चन ले लें, मेरे क्वेश्चन से साबित हो जाएगा कि मैं मुसलमान था या नहीं था, आप क्वेश्चन से वेरीफाई कर लें। नहीं बोले आपको तो बोले टेस्ट तो देना होगा। तो मेरे से बोले तौज़ और तस्मिया पढ़े आप, मैंने जो अभी नहीं दिया, मैं तो नहीं पढ़ूंगा। तो काफी देर तक हुज्जत करते रहे, मैंने आपने कहा आप मेरा क्वेश्चन ले लें, आप हो सकता है आपकी बात से मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, मैं हिदायत पे आ जाऊँ, दीन में दाखिल हो जाऊँ। हाँ। तो एक लेडी वहां पे बैठी थी कोई एलिना करके, अरे वो भी डंगर वो मेरे को बोलती थी बोले ना इनको एक काम करो, बोले अगर तौज़ या तस्मिया नहीं पढ़ते हैं
तो बोले इनको जो है पांचों जो ईमान यूनियन का जो चैनल उनसे बैन कर दिया जाएगा। तो मैंने कहा मैं पहली बार आ रहा हूँ, अभी घूमते फिरते पता नहीं कहाँ से चैनल मिल गया आ गया मैं, वो बैन करने की धमकी देती। लास्ट तक उसने मेरा क्वेश्चन नहीं लिया, मेरे को वो जोर देता रहा कि आप तो उस पर दे, मैं क्यों पढ़ू, आप क्वेश्चन से वेरीफाई करेंगे मैं मुसलमानों की नहीं, मेरा क्वेश्चन साबित कर देगा कि मैं मुसलमानों की नहीं। हाँ नहीं लिया उसने क्वेश्चन नहीं लिया। आखिर उसने फिर मेरे को कहता कि बोले ना आप एक काम करें, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हिदायत पे आ सकते हैं, आप मेरे को आपका जहन खुला है, तो आप एक काम करें ईमेल कर दे मेरे को क्वेश्चन, और उसने स्क्रीन में क्वेश्चन नहीं लिया मेरा। वाह भाई ठीक है, ये बंदा किधर जाके क्या कहानी सुना रहा है, चेक किया अब्बू के पास जाकर जैसे शैतान नहीं पूरी एक मजलिस लगाकर अपने चेलो चांटो से डेली रिपोर्ट लेता, ब्रीफिंग क्या किया आज, किधर गए, किस जगह पर कबूतरबाजी की, किस जगह पर ड्रामेबाजी की, ओ चाचा चाचा ये अल्लाह के हुक्म से मुसलमान बैठे हैं, आंखें खोल के दिमाग खुले हुए हैं, तुम्हारे पिछवाड़े खोल कर रख देंगे, फुदू खाता समझा है क्या, मैदान में निकल मैदान में, जवाब चाहिए तो। और देखो आगे वो बंदा क्या कहता है, ये आकर इधर अब नीचे लोग समझ रहे होते हैं यार पता नहीं यार मेरे भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, जवाब दे दिया छोड़े ना मुझे आने देना आमिर भाई, उन्होंने नीचे अपना बीच में नीचे रटे डाले होते हैं हमारे लोगों ने, नीचे रटे अपना शोर कि जी नहीं हमारी मर्जी के मुताबिक चले, वो ये नहीं देख रहे होते कि ऊपर क्या चल रहा है और क्यों ये चल रहा है। ये मुझे डेमो देना इसलिए जरूरी था ताकि हमारे लोगों की भी ट्रेनिंग हो। अब आगे देखना वो क्या बोलता है, जुमला चेक करना हाँ, और हमारे मुसलमानों के जज्बात भी चेक कर लेना जरा, ऐसा सुनना जरा चेक करें। वाह ईमेल कर दे वाह, ये क्या बात हो भाई ईमेल असल में ये टंडन लोग है ना जितने हैं अब्दुल्ला साहब, आप तो इधर जो है वो रेगुलर जो है पैनलिस्ट है और ये स्ट्रीम देखते हैं आप तो इधर रेगुलर पे जी चाचा चाचा चाचा, ये जो तुम्हारे जितनी एक्स मुस्लिम मूवमेंट है ना और इनके सपोर्टर्स और इनके इन्वेस्टर्स, यकीन करो यकीन, इनको लंडे बाजार में 5 रुपए की सेल में बेचकर अगले 500 साल बाद जाकर पता चलेगा कि आमिर हक ने इनके साथ किया क्या है, अगले 500 साल में अल्लाह के हुक्म से आपको लंडे की सेल में 5 रुपए में बेच दूंगा पूरी मूवमेंट को और सने हिंदुत्वा को, ठीक है ना चाचा ओ काका फुद्दू खाता, ऐसा ना के अच्छे से मालूम है कि आप यहीं पे रहते हो बैठते हो, ये जानबूझ के आपके उन्होंने क्वेश्चंस नहीं लिए। हाँ जानबूझ के नहीं लिए, तू आ जा ना, तू आ तेरी तेरी लूंगा मैं, हाँ सवालों की लिस्ट लूंगा, टेंशन ना ले जी। अली भाई ये डेमो देना जरूरी था, ये हैं जी एक्स मुस्लिम। नहीं ये बहुत जरूरी था और ये इतना सिंसियर था और हमारे कुछ भाइयों को जैसा कि लग रहा था कि ये बड़ा सिंसियर आ गया और उसको जवाब देना चाहिए, तो उनको समझ जाना चाहिए कि हमने उसे ईमेल दी थी और कहा था कि इसके ऊपर राबता करें, आपसे घंटों बात करेंगे, तसल्ली से आपके सवाल आप सुनेंगे अगर आप इतने सिंसियर हैं, यहाँ पर लाइव स्ट्रीम चल रही है, अब हम एक घंटा यहाँ पर तो बात नहीं कर सकते आपसे, और आपको मसला भी ये है कि आपकी जाति आपका जाति मसला है ना कि पब्लिक का इशू, आपको के पब्लिक को भी कुछ समझ आना चाहिए, मसला तो आपका है। तो उसने इधर आने के बजाय वो उधर चला गया और वहां पर देख लें कि वो कह रहा है कि तुम तो रेगुलर हमारे पैनलिस्ट हो, रेगुलर पैनलिस्ट, तो यहां पर आके देखो क्या ड्रामेबाजी कर रहा था। तो बहुत अच्छा किया आमिर भाई, ये दिखाना जरूरी था जी। जी थैंक यू जनाब, जज़ाकअल्लाह। ले जी अली भाई आपके दोस्त आए हैं, ये हमारे रेगुलर पैनलिस्ट हैं जी ओम साहब, ओम तेरी ओम तेरी ओम तेरी ओम, ओए डंग अपना ओम भाई, ओम भाई बोलिए ना हैं? फोटो इंज लाई सू जिवें सलार दे सेकंड पार्ट दे विच हीरोइन ने आना है हम्म, ओ जाजू बोल ना, लो स्टेज मल के बैठ गया, चले आएगा तो ले लेंगे। योहान आया, योहान हाँ योहान भाई जी, तो हमारे जो पिछला कन्वर्सेशन मेरे को एक बात की क्लियर नहीं हो, वो बस पूछना चाहता था, जैसे आपने बोला कि
ह्यूमन सोल्स में से भी कोई एक भी ऐसा नहीं था कि जिसने टेस्ट को रिजेक्ट किया, मतलब रिजेक्ट किया, और उस नॉन ह्यूमन सोल्स में से भी ऐसा कोई भी एक नहीं था जो बोला कि मैं टेस्ट देना चाहता हूँ। तो इसमें मेरे को मतलब बात समझ में नहीं आ रहा कि अगर प्योर 100% फ्री विल है तब तो चॉइसेस मतलब वैरायटी का होना चाहिए था कि इसमें से भी कुछ लोग ऐसे होते कि जो एग्री करते और कुछ एग्री भी नहीं करते, क्योंकि प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी एक सेट ऑफ ग्रुप के पीपल का ओपिनियन चॉइस 100% पूरा मैच कर जाए विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ये मेरे को हजम नहीं हो रहा था, तो आप बताइए। देखो, जिन्होंने चॉइस कबूल की वो इंसान बने, ये है बेस, फर्क समझना। यानी मिसाल के तौर पर यूं समझो, आर्मी में एक लोग आ गए हैं, आर्मी में, ठीक है, आर्मी की भर्ती हुई तो उन्होंने चॉइस दी कि आप आर्मी में आना चाहते हैं तो ये रेगुलेशंस हैं, इसके बाद आप जब आर्मी में आ जाएंगे तो आप पर क्विट नहीं कर सकते, क्योंकि आप बॉर्डर पे जाएंगे तो आप क्विट नहीं कर सकते। आर्मी को क्विट करना ना, ठीक है, ये बेसिकली क्राइम माना जाता है आर्मी के अंदर, कि आप आर्मी क्विट कर दें, ठीक है। अच्छा, खासतौर पर जब वॉर लगी हो तो आर्मी में क्या सारे लोग आर्मी वाले ही आएंगे ना, कि कोई नॉन आर्मी भी होगा, नॉन मिलिट्री भी होगा, सिविलियन ज्वाइन कर सकता है आर्मी? नहीं। इसी तरह जिन्होंने फ्री विल ली थी वो सारे के सारे इंसान बनने थे, सारे के सारे इंसान बनने थे, ठीक है, इसीलिए वो इंसान बन गए। पिछले स्ट्रीम में आपने बोला था कि ह्यूमन का सोल ऑलरेडी डेथ, मतलब कि वो अलग थे एनिमल। नहीं, सोल 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 और चीज होती है, सोल और है, ह्यूमन बॉडी के अंदर आकर वो और कनेक्शन पैदा करती है। एक है बेस मटेरियल, यानी मिसाल, यू मिसाल ले लो, जैसे रॉ मटेरियल है लोहा, है लोहा, ठीक है। अब लोहा जो है इससे आप कुछ भी बना सकते हो, गाड़ी बना लो, दरवाजा बना लो, बाइक बना लो, टैंक बना लो, कोई भी चीज बना सकते हो। वंस जब आप एक चीज बना लेते हो उसके बाद वो चीज वो शक्ल इख्तियार कर जाती है। इस तरह समझो कि एक सॉफ्टवेयर था, उस सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के साथ कनेक्ट किया, ये चीज है, ठीक है। अच्छा, मान लो कि अगर ह्यूमन मना कर लेते तो अभी वो किस फॉर्म में बनते, मतलब अभी? वल्लाहु आलम, मुझे इसका नहीं पता। हाँ, जिस चीज का नहीं पता, जहां तक मैं समझा पाऊंगा वो चीज है, हो सकता है कुछ और बन जाते, हो सकता है कुछ और जो बने हुए हैं वो वही हैं जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया जिन चीजों ने, क्वाइट पॉसिबल, ठीक है, हो सकता है। तो ये क्योंकि तो ये चीजें ना, सॉरी सॉरी योहान, सॉरी, ये चीजें ना असल में, चूंकि मैं कैटेगोरिकली एब्सोल्युटली नहीं कह सकता, उसकी वजह ये है कि इन टॉपिक्स के ऊपर कुरान और सुन्ना ने ज्यादा बात नहीं की हुई, हमें बताया नहीं हुआ, ठीक है ना, इसीलिए मैं कैटेगोरिकल कहूं कि जो मैं कह रहा हूं वही सही होगा, नहीं, मेरी बात चैलेंज की जा सकती है, मगर जस्ट टू एक्सप्लेन यू, दैट्स इट, मैं बता रहा हूं। मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि अगर सूरज को अगर फ्री विल दे देता तब तो वो धरती ऑर्बिट छोड़ के चला जाता, फिर सब लोग मर जाते, फिर क्या होता, इमेजिनेशन कर रहा था। हाँ, नहीं, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, कि कुरान में इसी चीज को बयान किया जो मैंने आयत पढ़ी थी, अफतबगुना गैरा दीन अल्लाह वलहु अस्लम मन फिस समावाती वल अर्ज तौअन औ करहा, ये चीज बयान की है कुरान के अंदर कि इस्लाम कबूल किया हुआ है। इस्लाम का मतलब है अपनी विल को सरेंडर कर देना, जब अपनी विल यानी सरेंडर, मैं तुम्हें बोलता हूँ अपने वेपन्स को सरेंडर कर दो, तो आपके पास वेपन है, वेपन, मैं आपको कहता हूँ योहान सरेंडर कर दो, तो सरेंडर करने का सबसे पहला जेस्चर क्या होगा, अपना वेपन क्या करोगे, नीचे रख दोगे, राइट? राइट। तो फ्री विल इज लाइक अ वेपन जिसको आप अच्छे और बुरे में यूज करते हो, राइट, अपने डिफेंस में, फ्री विल को, ठीक है। तो जब कहा गया कि अपनी विल को सरेंडर कर दिया, उसका मतलब है अपनी विल को रख दिया कि अब मैं इस विल को आपके हवाले करता हूं, जैसे चाहे इसको आप मेरे साथ करो, ठीक है। तो जो दूसरी क्रिएचर्स हैं, दूसरी मखलूकात हैं, उन्होंने अपनी विल को अल्लाह के सामने सरेंडर कर दिया, हमें भी कहा गया कि अब आपने भी सरेंडर करना है, ठीक है, ये चीज है। जी, और एक ही सवाल था इसके रिलेटेड, जो जैसे अगर जानवरों ने तो मना कर दिया ये टेस्ट देने से, फिर उनको दुनिया में फिर क्यों भेजा गया, पैदा किया गया, अभी तो हाँ। वो जानवर बहुत ही सफर कर रहे होंगे, देखते हैं हम। देखें, वैसे सूरज ने भी रिजेक्ट किया, पहाड़ों ने भी किया, वो भी इसी दुनिया के अंदर है, उसकी वजह ये है वो उस इकोसिस्टम का हिस्सा है, हमारे सर्वाइवल के लिए, क्लाइमेट को बैलेंस करने के लिए, हैबिटेबल बनाने के लिए, गोल्डिलॉक्स जोन क्रिएट करने के लिए, कॉस्मोस के अंदर चीजें स्टेबल हैं, ठीक है ना, तो वो इकोसिस्टम क्रिएट करता है ताकि हम सर्वाइव कर सके,
ये चीज है। अब मिसाल के तौर पे आइंस्टाइन के बारे में चीज मशहूर है कि वो कहता था कि अगर आइंस्टाइन या किसी के बारे में कि अगर जो शहद की मक्खियां हैं इन सबको मार दिया जाए तो हो सकता है हम लोग मर जाए। तो एक इकोसिस्टम है जिस इकोसिस्टम के अंदर ये सारी चीजें फिट इन बैठती हैं, इनकी एग्जिस्टेंस पर डिपेंडेंट है हमारी एग्जिस्टेंस सिंपली। अब वो हमें अंडरस्टैंड कर पा रहे हो या ना कर पा रहे हो, पर वो तो उनका उनका नुकसान होना, हमारा ही खाली फायदा हो। उनके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो लोग सफर कर रहे हैं जैसे जानवर हो गया, फिर उनका फायदा नहीं, तो नहीं हुआ, फिर हमारा ही फायदा नहीं। देखें सफर सफर इस दुनिया के अंदर आपको फील हो रहा है कि वो सफर कर रहे हैं ना इस दुनिया के अंदर, अदरवाइज ऑब्वियसली इस दुनिया के अंदर सफर कर रहे हैं, मगर अगर आखिरत का कॉन्सेप्ट साथ मिलाकर आप कंप्लीट पिक्चर को देखेंगे ना तो फिर वो सफर नहीं कर रहे हैं, फिर हम कर रहे हैं क्योंकि हमने फ्री विल अडॉप्ट की है और हमें इस सफरिंग से बचना है अपनी फ्री विल को सबमिट करवा के। ठीक है, उसकी टेंशन ना लें, आप टेंशन ना लें। पर उन्होंने तो नहीं बोला था ना कि मैं इस इंसानों का भलाई के लिए मैं दुनिया में जाना चाहता हूँ, तो इसीलिए फ्री विल नहीं है ना, इसीलिए फ्री विल उनके पास नहीं है, इसलिए उनसे पूछा नहीं जाएगा कल के आमद के दिन, उनसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे मुझसे पूछा जाएगा, उनसे नहीं पूछा जाएगा। नंबर वन। नंबर दो, आपने एक चीज समझनी है, जो मखलूकात हैं ये जो आप सवाल कर रहे हो ना ये बेस वापस चला जाता है। तो यहाँ ये कहा जा सकता है अल्लाह ने क्यों किया ये चीज, जहां ये सवाल उठता है ना कि ऐसा क्यों किया, शुरू क्यों किया, ये उसी का वो मालिक है, वो आपको क्रिएट करके इस दुनिया में डालता इसकी दुनिया में ना डालता, इस दुनिया को बनाता ना बनाता, वो मालिक है, उसका कुछ नहीं हो सकता, आप उसके उसके ऊपर कुछ नहीं आप सवाल उठा सकते। ये मैं आपको जनरली बता रहा हूं ऑनेस्टली, यानी ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात के जवाब के बारे में ये कह रहा हूं कि कोई लाजवाब होकर ये बात कर रहा हूं, यही रियलिटी है क्योंकि मैं यहां से घूम चुका हुआ हूं ये सारी चीजें सोच के। ऐसे हो जाता है, मखलूक जो होती है ना हमेशा क्रिएशन जो होती है वो लाचार होती है क्रिएटर के सामने। अब देखें ये मूर्तियों को बनाते हैं, मूर्तियों को मैंने देखा जूते मार रहे होते हैं बाज दफा, किसी ने मूर्ति के साथ छेड़खानी कर रहे होते हैं। अब क्योंकि क्रिएटर ये हैं, बनाने वाले ये हैं, तो ये उसके साथ जो भी सलूक करें वो आगे से क्या कर सकती है, उसका दौर तो नहीं चल सकता। तो मखलूकात के अतबार से अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको बनाया तो वो जैसा उसके लिए फिक्स करेगा वो उनको वैसा चलना पड़ेगा, वो वैसे चल रही। फ्री विल इंसान को दी है कि ये मुख्तलिफ मामलात में अपने आमाल के हिसाब से ये डिसाइड कर सकता है, चूज कर सकता है कि इसने क्या करना और क्या नहीं, ये इसके पास मलका है। अगर योहान भाई आपको ऐसा नहीं लगता तो बताएं, क्या इस बात में रियलिटी नहीं है कि दुनिया की जितनी भी मखलूकात कायनात आपको दिखाई दे रही है वो आपको दिखाई दे रहा है कि सब पाबंद है, उसी तरह चल रहा है सिस्टम जिस तरह उनका है, इंसान थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्या नहीं लगता आपको? हाँ बात तो लगता है ना। तो यही इस्लाम कह रहा है कि इंसान मुख्तलिफ है और ये जिस बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ है वो है इसकी चॉइस कि ये चूज कर सकता है कि इसको क्या करना और क्या नहीं करना, जो सिचुएशन इसके सामने है वहां पर जो ये चूज करेगा उसके हिसाब से इसको अजर भी मिलेगा और इसको अजाब भी मिलेगा। अगर गलत करेगा तो इसके खाते में बुराई लिखी जाएगी, अगर अच्छा करेगा तो अच्छाई लिखी जाएगी। क्या ऐसा ही नहीं होता यहाँ पर भी? हम यही नहीं देखते कि मुख्तलिफ सिचुएशन में इंसान क्या कर रहे हैं, फिर हम उनके रिएक्शन के बाद फैसला करते हैं कि यार ये इसको करना चाहिए था, ये इसको नहीं करना चाहिए था। क्या यहाँ पर हम ऐसे जज नहीं कर रहे होते? हाँ, इस लाइफ में तो मानता हूँ इंसानों के पास पूरा 100% फ्री विल है, इंसान जिन ये सब के पास नहीं, 100% से ना थोड़ा सा कम कर लें। बाज मामलात में इंसान, मैंने जस्ट एक चीज की तरफ इशारा किया कि आमाल के अतबार से, वरना आप जहां पर चाहें वहां पर पैदा नहीं हो सकते और हर तरह के हालात को आप टैकल नहीं कर सकते, आपके पास ये इख्तियार है कि आपने चूज क्या करना है। जबरदस्त। अच्छा, सफरिंग के हवाले से ना अली भाई, बड़ा प्यारा माशाल्लाह जबरदस्त पॉइंट उठाया। यारा कई दफा ऐसे होता है बाज चीजों के अंदर ना आपको बजाहिर सफरिंग फील हो रही होती है, मगर फॉर अ बिगर कॉज आप उस चीज को अडॉप्ट भी करते हो और उस चीज को फॉलो भी करते हो और उस चीज को करते भी हो, ठीक है ना। यानी जैसे आपने कहा कि यार उनको सफरिंग लग रही है, मगर मैंने वो इकोसिस्टम की मिसाल भी दी, मगर इसको एक और एंगल से समझे। माँ बाप होते हैं, मियाँ बीवी हैं, ठीक है ना, शादी होती है। हाँ। वो शादी के बाद ना एक संतान की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है ना, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने बच्चों को निकालते हैं, ब्रीड करते हैं, हालांकि वो जानते हैं कि इसमें सफरिंग है। औरत सफर करती है प्रेगनेंसी में, करती है कि नहीं करती? हाँ करती, हालांकि मरने के करीब होती है, ऐसे ही है ना। हाँ, मगर फिर भी वो बच्चा पैदा करती है, हालांकि उसको पता है इसमें सफरिंग है।
फिर उस पैदा करने के बाद 2 से 4, 5, 6 साल तक उस बच्चे का उसके बगैर गुजारा ही नहीं है, वो अलग स्ट्रेस है, उसमें वो अलग सफर करती है, मगर फिर भी वो उस चीज को लेती है, पॉइंट नंबर वन। दूसरा, माँ बाप जब बच्चे को पैदा कर रहे होते हैं, आपको क्या लगता है उनको पता नहीं होता कि ये बच्चा बीमार भी होगा, हो सकता है ये बच्चा गलत बन जाए, मर्डर बन जाए, रेपिस्ट बन जाए, ठीक है, हो सकता है ये बच्चा खुदा ना खास्ता अपाहिज हो, डिसेबल हो, होता है कि नहीं होता, ये सारी चीजें हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज सामने होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर मौत तो सबसे बड़ा सत्य है, मृत्यु, ठीक है, आपको भी पता है, आपके माता पिता को पता है, फिर भी वो एक जीव को दुनिया के अंदर लेकर आते हैं ये जानते हुए कि एक समय आएगा जब इसकी मृत्यु होगी, और मृत्यु सफरिंग है, बड़ी कठिन है मरना, रोग लगता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई ना कोई घटना हो सकती है, सारी चीजें। इन तमाम चीजों के जानने के बावजूद कुछ एक पॉजिटिव चीजें हैं, वो एक खुशी है, वो एक आनंद है, वो एक सेटिस्फेक्शन है, वो बहुत सी चीजें हैं जो उसको क्लाउड कर जाती हैं इस चीज के ऊपर कि इनमें बेहतरी भी है, ठीक है, ये समझे। तो ये सिर्फ इस चीज में नहीं है, यही सवाल था जिसको मलाइका ने अल्लाह के सामने रखा कि अतज अलू बादा उस बिल्लाह मिन शैतान रजीम अतज अलू फी हा मन युस्फिकु दिमाआ, ऐ अल्लाह, क्या आप ऐसी मखलूक को बनाने लगे हैं जो खून बहाएगी, कत्ल गारत करेगी। तो अल्लाह ने आगे से कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। तुम एक एस्पेक्ट को देख रहे हो, जैसे यूहान सिर्फ सफरिंग को देख रहा है, दूसरे एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर रहा है, उनकी एग्जिस्टेंस में जो डाइवर्सिटी है, जो खूबसूरती है, जो रिसर्च का एक नया मैदान है, जो साइंस की डिस्कवरीज हैं, जो स्पीशीज को पढ़ने में, घूमने में, सीरू फिल अर्ज फनजुरू कैफा बदा अल खल्क, जमीन में घूम कर जो एक रिसर्च का बाजार गर्म है, फिर फॉसिल स्टडी किए जाते हैं, स्क्रॉल स्टडी किए जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो पढ़ी जाती हैं, ये ऑब्वियसली इसी बेस पर ये डाइवर्सिटी देखने में आई है, ताकि इंसान अपने खालिक को पहचानने के और भी करीब दलाइल हासिल कर सके। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको सामने रखकर आपको चीजें पता चलेंगी। अच्छा, सॉरी सॉरी, यूहान आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर बात हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमारे साथ यार ओम को मैं चाह रहा हूँ एक बार चेक कर लें, ओम आप हो अली भाई की मौजूदगी में ना, मैं चाह रहा हूँ ओम आप हो या नहीं हो, पता नहीं है, उनजी सो गया कि दे। सीकर हमारे साथ हैं, सीकर को ले लेते हैं। जी सीकर भाई जी, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आदाब मेरे भाई, सीकर भाई कैसे हैं, वेलकम, स्वागत है जी। सनातनी भाई नहीं, मैं एक भारतीय हूँ, ही मेरी पहचान है बस। नहीं, भारतीय तो हैं, वो तो आपकी बात ठीक है, वो तो बहुत बड़ी तादाद में है, करोड़ों में, तो मैं थोड़ा सा ना स्क्रूटनाइज करना चाह रहा हूँ चीजें समझने के लिए, फिल्टर लगा के ना थोड़ा, ताकि मुझे पता चले मैं बात किससे कर रहा हूँ, क्योंकि भारत वर्ष जो है वो तो बहुत बड़ा है, तो आप सनातनी है यानी जो है वो शास्त्रों को फॉलो कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्या प्लान है आपका? जी कुछ भी प्लान नहीं है, बस हर चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ बस। यानी सनातन धर्म से बेस हैं आप, तभी तो इतने आपके उत्तम विचार है ना मेरे ख्याल से, है ना? जी नहीं, मैं मेरी पैदाइश एक मुस्लिम घर में हुई है। अच्छा बस। अच्छा, मुस्लिम घर में। अच्छा जी, ठीक है, तो अभी आप मुसलमान हैं या नहीं? नहीं, मैंने आपको बताया मैं कोई ये सब चीजों से कोई बिलोंग नहीं करता, कोई रिलीजियस या कोई कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता कुछ इससे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो कितनी देर हो गई आपने इस्लाम छोड़ दिया? ये छोड़ा नहीं है, बचपन से ऐसा ही है। बचपन से? यानी कब से, कितनी देर से? मतलब जैसे बचपन में, मतलब हमें बचपन से जितना ईद का इंतजार होता था उससे, मतलब दोनों चीज बचपन से एंजॉय करते हुए आए, उतना पूजा भी एंजॉय की। मैं पूछ कुछ और रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना कि मैं मुसलमान था ही नहीं, ठीक है ना? जी, कभी आपसे पूछा तरीके से परवरिश नहीं हुई है? उस तरीके से परवरिश नहीं हुई है, यानी आपके घर वाले भी आपकी तरह ही हैं, मुसलमान नहीं है? नहीं, मेरे डैड 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, मेरी मम्मी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ती है। तो फिर परवरिश का ताल्लुक तो माता पिता के साथ या घर के परंपरा के साथ होता है, तो फिर आप मुसलमान ही हुए ना, फिर इसका मतलब है बैकग्राउंड से? नहीं नहीं भाई, मतलब मुसलमान तो मतलब जो
कुरान में यकीन रखते उसको बोलते हैं ना। नहीं, तो आप कब से कुरान पर यकीन छोड़ दिया था आपने?